राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जिला झुंझुनू देश में सैनिकों के जिले के नाम से जाना जाता है। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिवंगत नेता शीशराम ओला का यहां के सियासत में एक छत्र राज रहा है। बीजेपी ने सीट पर कांग्रेस के पांव उखाड़ने की लाख कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। हालांकि मोदी लहर में बीजेपी सीट जीतने में कामयाब रही। इस बार यहां से कांग्रेस ने श्रवण कुमार को और भाजपा ने नरेंद्र खीचड़ को अपना प्रत्याशी बनाया है। अनिल जी, पहली बार है कि झुंझुनू से कांग्रेस ने ओला परिवार के अलग जाके किसी को उम्मीदवार बनाया है। हाँ, ये 5 बार तो शीशराम ओला वहाँ से सांसद रहे और ब्रजेंद्र ओला भी MLA हैं, पहले मंत्री भी रहे राजस्थान सरकार में, उनके बेटे और उनकी बहू शशिवाला ओला जिला प्रमुख भी रही। और पिछली बार उनको चुनाव भी लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया गया था। हार गई थी वो जी। संतोष अहलावत से चुनाव हार गई थी। संतोष अहलावत भाजपा की बहुत ही जबरदस्त वर्कर है, लेडी है, बहुत जबरदस्त वर्कर है। उनका टिकट काट दिया गया, ये पूरे राजस्थान को समझ में नहीं आ रहा। बड़े चर्चा का विषय भी रहा कि भाजपा ने ये टिकट क्यों काटा। हालांकि कुछ समय पहले जब टिकट ये घोषित हुआ था, उन्हें सबसे बेस्ट एक जो सांसद का MP का जो अवार्ड होता है वो भी दिया गया था। हाँ, तो कोई कंसिडरेशन रहा है और नरेंद्र खीचड़ को पार्टी ने टिकट दिया वहां पर, बीजेपी ने। कांग्रेस ने श्रवण कुमार को टिकट दिया है, जो MLA है, वो भी दिग्गज हैं जाट राजनीति के। तो जाट राजनीति के दो धरती पकड़ व्यक्ति इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। ये वो सीट है जो कभी मुरारका के पास होती थी, राधेश्याम मुरारका, 52 में पहला चुनाव, वही प्रवासी राजस्थानी, मैंने कहा ना आपसे जी, शेखावटी में थोड़ा है, शेखावटी में। हाँ जी, फिर RK बिरला जीते स्वतंत्र पार्टी से, मुरारका जीते कांग्रेस से, RK बिरला जीते स्वतंत्र पार्टी से। पर अगला चुनाव KK बिरला हार गए यहाँ से, कृष्ण कुमार बिरला, बिरला खानदान, टाटा बिरला, जब एक तरह से उपाधि दिया थी, तू क्या टाटा बिरला है क्या, लोग यो बातचीत में फ्रेज बन गया था, फ्रेज बन गया जी। जिस जमाने में 67 में, उस जमाने में KK बिरला, कृष्ण कुमार बिरला, जिन्होंने पिलानी को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया, जिन्होंने झुंझुनू को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया, पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में नहीं, दुनिया के नक्शे में शेखावटी का, राजस्थान का, झुंझुनू का नाम अगर है तो बिरला खानदान की वजह से। वो KK बिरला यहाँ चुनाव हार गए स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर, तो ये अजीब बात है। अयूब खान यहाँ से 2 बार सांसद रहे कांग्रेस के टिकट पर, कैप्टन थे सेना में, और कैप्टन अयूब खान को से 2 बार जीता है। ये सैनिकों की धरती है, यहाँ मेरे ख्याल से हर गांव गली में आपको शहीदों की मूर्तियां मिलेंगी जी। हर गांव गली में किस हर परिवार दूसरे चौथे परिवार में कोई ना कोई सेना में होगा। देश में सबसे ज्यादा सैनिक देने वाला, देश में सबसे ज्यादा शहादत देने वाला झुंझुनू जिला है, और जब देशभक्ति के नाम पर चुनाव लड़ रही बीजेपी जी, तब क्या देशभक्ति के नाम पर वोट पड़ेंगे या जाति समीकरण के आधार पर वोट पड़ेंगे या पार्टी के आधार पर वोट पड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त इसमें कांग्रेस का समीकरण इसलिए बेहतर लग रहा है थोड़ा सा जी, कि निर्दलीय विधायक जो भी इस वक्त सांसद का चुनाव लड़ा, पिछली बार 2 लाख वोट आए थे राजकुमार शर्मा के जी, जो इस वक्त नवलगढ़ से विधायक है कांग्रेस के टिकट पर। पहले वो निर्दलीय विधायक थे नवलगढ़ से, उन्होंने लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ लिया था और 2 लाख वोट अकेले उनके आ गए थे। तो उसी में शायद वही हार का एक कारण भी बने थे, जो राजबाला ओला जब जिस समय हारी थी, 2 लाख वोट उन्होंने उस समय लिए थे उन्होंने, तो वो 2 लाख वोट उन्होंने लिए, 3,52,000 इनके आए थे राजबाला ओला के, दोनों मिल जाते तो बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते, और दोनों अगर वोट मिलते तो शायद वो, अगर साथ चुनाव भी लड़ते तो शायद और भी वोट फिर ज्यादा आ जाते, ठीक है ना जी। तो इसलिए अब नवलगढ़ वाले विधायक जी तो कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस से विधायक हैं जी, तो वो तो कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे होंगे ऐसा मैं मानता हूं, और इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस टक्कर दे सकती है बीजेपी को, ऐसा मुझे लगता है जी। ओला परिवार का क्या लगता है, आपको समर्थन है कांग्रेस के साथ? शुरू में तो ओला परिवार रिजर्व रहा, पर मुझे लगता है कि ब्रजेंद्र ओला को भी ये पता है कि अगर वो काम नहीं करेंगे, उनके विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस हार जाएगी तो उनके मंत्री बनने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए। और फिर क्या कि आखिर एक परिवार के वर्चस्व से कभी तो शहर इलाका बाहर आना चाहता होगा जी, ठीक है ना। शीशराम ओला 4-5 बार विधायक सांसद रह लिए, ब्रजेंद्र ओला विधायक रह लिए, इनकी पत्नी सांसद का चुनाव लड़ ली, तो ओला परिवार के बाहर जो जाट राजनीति है वो भी कोई जगह बनाना चाहती है अपनी, और जाट राजनीति के जो नेता हैं वो केंद्र में भी और यहाँ भी एस्पिरेंट होते हैं, तो ठीक है ब्रजेंद्र ओला पहले मंत्री रह लिए, इस बार फिर MLA बन गए, लेकिन अदर देन ओला परिवार भी काफ़ी जाट राजनीति में नेता पनपे हैं,
सेकंड लाइन के थर्ड लाइन के जो नेता हैं वो बहुत एस्पिरेंट हैं और वो जानते हैं कि बरगद के नीचे घास नहीं उगती है, तो बरगद से शीशराम ओला उनके नीचे घास नहीं उगती। अब वो बरगद तो रहे नहीं लेकिन उनके बेटे हैं, तो उनके बेटे के रहते हुए अदर देन ओला परिवार जाट नेतृत्व सर उठा रहा है, कसमसा रहा है, अपनी जगह बनाने के लिए आगे की तरफ देख रहा है। इसलिए ब्रजेंद्र ओला अगर कांग्रेस का काम नहीं करेंगे, अगर नाराज होंगे श्रवण कुमार के टिकट दिए जाने से, तो ब्रजेंद्र ओला को फिर इसका जवाब देना पड़ेगा चुनाव के बाद कांग्रेस आला कमान को, ऐसा मैं मानता हूँ जी। चलिए हम भाजपा की अगर हम बात करें तो संतोष अहलावत जो है जिनका टिकट कटा है और कारण भी समझ नहीं आ रहा, उनकी आपको क्या लगता है क्या भूमिका होगी इस चुनाव में? नहीं, संतोष अहलावत पार्टी में काम कर रही हैं और संजीदगी के साथ काम कर रही हैं, मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि उन्होंने टिकट कटने की कोई खीज निकाली हो जी। और संतोष अहलावत बहुत ही संजीदा महिला हैं, सांसद के रूप में भी कार्यकाल अच्छा रहा उनका, बहुत जनता से जुड़ाव भी रखा उन्होंने, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी भी में भी नहीं पड़ी वो, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी की खिलाफत करेंगी या भीतरघात करेंगी, और बल्कि उनको पार्टी कुछ ना कुछ जरूर देगी इस चुनाव के नतीजे के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी उनका ध्यान रखेगी और उनकी जो समाज में हैसियत है, छवि है, उसका पार्टी के लिए भी, और कभी अभी जो विधानसभा में सदस्य संख्या उससे एक सांसद पार्टी भेज सकती है राज्यसभा में अगले चुनाव में 2020 में, तो उसके लिए भी उनके बारे में सोचा जा सकता है। तो और भी कई अवसर हो सकते हैं, कोई विधायक जीत जाए तो उसकी जगह विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो ये देर आर सो मेनी थिंग्स, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि संतोष अहलावत भीतरघात करेंगी या बगावत करेंगी, बगावत तो करी नहीं है जी, और उनमें ऐसा है भी नहीं कि वो भीतरघात करें। कांग्रेस में आशंका जरूर है लेकिन मुझे लगता है कि अंततः कांग्रेस जनों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि देश की जो राजनीति है इस वक्त उसमें कांग्रेस को अगर अपने आप को बचाना है तो कांग्रेसियों को एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट नहीं होंगे तो फिर उनको जवाब देना मुश्किल पड़ेगा आलाकमान को, हो सकता है आलाकमान की हैसियत रहे ना रहे जवाब पूछने की, ये भी एक अलग प्रश्न चिन्ह है, लेकिन अगर हैसियत रही तो वो पूछेंगे जरूर जी, कि तुम्हारे इलाके में कैसे आ गई, तुम विधायक थे, तो उस वक्त जवाब देना मुश्किल पड़ेगा और फिर उसका हिसाब देना पड़ेगा जी। चलिए वक्त हो चला है कार्यक्रम का समाप्ति का, आज हमने शेखावटी की बात करी, सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों सीटों पर हमने बात की, अनिल जी से जाना कि किसका पलड़ा यहाँ पर भारी है। तीनों ही जगह 6 मई को मतदान है, राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान होगा जिसमें इन तीनों सीटों के लिए भी मतदान होगा। सत्ता संग्राम में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।